जी तो ईद के कपड़े देखने से पहले ये आप सुन लें कि वीडियो जरा लंबी हो जाएगी, क्योंकि ईद कलेक्शन जाहिर है, लेकिन आप फुल वॉच करना, वो आपका फायदा हो जाएगा कि अब तक इन सूटों में से कौन सा सूट आपको पसंद आ जाए। जो सूट आपको पसंद आ गया, यकीन करो मैं आपको गिफ्ट कर दूंगी। जो मेरा आ जाए। है वो मेरी सिस्टर कहती है, जो मेरा आ गया तो मैंने नहीं देना, लेकिन जो मेरा आ गया तो खुले दिल से आप गिफ्ट ले सकते हो मुझसे। तो चलते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डे लाइफ से कैसे आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी खैर आफियत के साथ हूँ। तो रमज़ान जा रहा है, तो मेरी तरफ से आप सबको लास्ट रमज़ान मुबारक भी, ताक रातें मुबारक और ईद मुबारक एडवांस। तो चलते हैं जी ईद की शॉपिंग की तरफ। और जो मेरे चैनल पे न्यू है, बेल आइकन को प्रेस कर दें, बरवक्त आपको न्यू अपडेट बा आसानी मिल सके। बाकी ओल्ड दोस्त तो मेरे कर ही देंगे। माशाल्लाह मैंने ना ईद की शॉपिंग रियान से शुरू की है। मैं चेज़ब गई थी, हमारे शहर का ना बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है चेज़ब, तो वहाँ गई थी तो मुझे ना ये कपड़े मिल गए, तो मुझे इतने अच्छे लगे, तो मैंने कहा अब चीज़ मिल रही है तो मैं ले लूँ। जब ढूंढने लगो तो फिर मिलती नहीं। इसके साथ ये मुझे शर्ट मिल गई, कितना खूबसूरत कम्बिनेशन है, रेड और ब्लैक। और दूसरी मुझे ये मिल गई, इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, अभी मैंने रिसेंटली गए हैं टूर पे गए हैं, इसकी बर्थडे थी तब भी मैंने लिए हैं, मगर ये कलर मुझे पसंद है तो फिर मैंने ले लिए। जब चीज़ पसंद की मिल जाए तो ले लेनी चाहिए। और ये सूट एक रेड कलर, रेड कलर आजकल बहुत इन है। ये ना रियान का एक सूट, रियान का है एक सूट, रियान की आंटी का। मैंने कहा आस्ता आस्ता शॉपिंग शुरू करते हैं, जो जो चीज़ मिलती जाती है वो लेते जाते हैं। तो अब देखते हैं आगे आगे क्या 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 लेते हैं। ये हैं आतफ के, ये पेयर मुझे मिल गया था। ये स्किन पिस्ता पिस्ता शेड है, इतनी प्यारी मीठी गर्मियों की। और ये ऊपर डार्क ब्लू है और वाइट डॉट्स बने हुए हैं, तो ये डबल है। ये पेयर इतना अच्छा लग रहा था, इसी तरह डिस्प्ले था, तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा, इसने कहा कि मुझे ले के चलो, मैं इसे ले आई। ये देखो आपने बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। अभी तो इब्तिदा हुई है शॉपिंग की ईद की। ये भी इसे ज़रा दिखा दो, इसको भी दिखा दो। चलो ये मोहम्मद मगीस के कपड़े हैं, मेरे भतीजे के, मैंने अपने भतीजे को गिफ्ट दिया है। ये साथ चश्मा भी इसके, ये देखो कितना खूबसूरत सूट है, इसके साथ मैचिंग जूती भी मेरे भतीजे की। आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये गिफ्ट कैसा लगा। जी ये दो सूट ना मेरे बेटे के, एक ये और एक ये वाले। पैंट शर्ट मैंने आपको दिखा दी हुई है। अच्छा इनको करते हैं साइड पे। तो ये मेरी सिस्टर के कपड़े, ठीक है, ये जो सिस्टर वीडियो बना रही है ये इसके है, ये वाले। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखो एक ये है, ये इसकी बैक, और ये इसका ट्रोजर नीचे ये लगा हुआ है, ये इसका दुपट्टा, ये इस सिस्टर के हैं और ये भी इसी सिस्टर के हैं। ये तो इतना अच्छा है ना, ये वाला, ये वाला, ये देखो माशाल्लाह, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये इसकी स्लीव, इसकी स्लीव कितनी प्यारी है, ये देखो चिकन बनी हुई। ये देखो आगे अम्ब्रेला है, ये डबल है, ये देखो ऊपर कोट बना हुआ है, ये मतलब ये देखो जी, ठीक है। और ये मेरी सिस्टर का दुपट्टा, इसके साथ ना ये लगवाई हुई है, इसकी ये किंगरी करवाई है, कितनी अच्छी लग रही है ये किंगरी। ये दो सूट हो गए मेरी सिस्टर के। अच्छा जी ये माशाल्लाह, ये किसी और का है एक ये भी इसी सिस्टर का है। अच्छा इस मेरी सिस्टर को ना दुपट्टे को ना बहुत शौक है, क्या हुआ निंगी निंगी
ये देखो इसका ये फ्रॉक, इसकी स्लीव देख। अगर आपने लेनी है तो ये मेरे ना सेटलाइट और शॉपिंग मॉल से ली है ये वाला। ये देखो ये इसका कितना प्यारा है, कितना डी सेट बना हुआ है, कितना खूबसूरत है। और इसका ट्राउजर ये प्रिंट, ये ना मेरे मामू की बेटी ने भेजा हुआ है यूके से, ये उन्होंने भेजा था, ये शर्ट मैंने यहाँ से खरीद ली। और ये दुपट्टा इसके साथ भी ना पेमक लगवाई है, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये वाला, मैं लेके दिखाऊंगा आपको। अच्छा लाइट गई है तो मैं इस तरह आ रही हूँ जैसे काली पठियारी आती, कैसा लगा आपको। ये है मेरी सिस्टर के माशाल्लाह। अब मुझे ना तय भी करने पड़ेंगे। और खैर से अब आ गए मेरे कपड़े, ये लो जी मैंने ये ब्लैक सूट लिया। दुआ करना मुझे ब्लैक सूट पहन के तो मैं इस तरह लगती हूँ जिस तरह सही पता चिड़ेल होती, मुझे ज़रा भी नहीं अच्छा लगता। दुआ करना मुझे सूट कर जाएगी, मैं पहन के ना अच्छी लगूँ। मैंने ना आपको पहन के भी दिखाने हैं, ये देखो फ्रंट बैक ये इसके ये लगे हुए हैं टसल। और इसका ट्राउज़र बड़ा मज़े वाला है, मैं बैठ के मेरे घुटनों में दर्द हो रही है, देखो कैसा लगा आपको ये ट्राउज़र। और ये इसका दुपट्टा, ये अभी मैंने इसको पीको करवानी है, ये इसकी नेट देखो, ये मैं सिर्फ इसलिए लेके आई हूँ, ये भी मैं आपको लेके दिखाती हूँ। हाँ ये कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है देखो मुर्दा खाना होता। अब मुझे ना तय भी करना पड़ेगा। अच्छा जी दूसरा सूट है मेरा जनाब वाला, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं ये आपको बता दूँ कि ये मैंने खुद स्टिच किया है, तो पता कितने दिनों में किया है, 3 महीनों में। ज़रा सिलाई लगाती थी ये देखो, तो ये मेरे इतना मज़ेदार सिलाई किया हुआ है। ये पैच बाज़ार से थे, जैसे बाज़ार से जाए ना तो कपड़ा वो क्या कहते हैं कीमा कचरा करके हाथ में पकड़ाते हैं, ये पैच ये वो ये वो, तो ये मैंने बाज़ार से लगवाई है ये वाली। नीचे मैंने इसके बिलू पलटा लगाया है, इतना अच्छा लग रहा है ना बिलू पलटा। ऊपर वाला गला मैंने नहीं लगाया था, स्किप कर दिया था। ये दूसरा सूट ये, और इसका ट्राउज़र पे भी ये लगाए हुए हैं, तो मैं ना खुला टुला ट्राउज़र रखती हूँ, मुझे नहीं फंसे फुसे लगते कपड़े अच्छे। ये देखो कितना डिसेंट लग रहा है ये ट्राउज़र है। ये हो गया मेरा सूट, एक ब्लैक एक ये। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये रेस्ट कलर है, एक तो ऑरेंज होता है ना एक रेस्ट कलर, इसको मैंने इसलिए ख़रीदा कि मुझे इस तरह का दुपट्टे बहुत पसंद है। ये देखो ये इसकी ये देखो, ये भी रख के दिखाएं, ये भी रख के दिखाऊं, ये लो जी अल्लाह खैर करे दुपट्टे रख के दिखाती रहूँ। ए लो जी मैं घूम के दिखा देनी हाँ, मैं वैसे पहन के दिखाऊंगी ईद वाले दिन सारे कपड़े। ये देखो प्यारा लग रहा है, ए लो जी बैठ जी उन्होंने बेड पे, असल में टांगों में दर्द हो रहा है, ये लो कैसा लगा। अच्छा ये सेट हो गया, अब देख रहा मुझे तय भी करना पड़ेंगे। और ये सूट ये भी मैंने खुद स्टिच किया हुआ है, 6 मिनट हो गए। अच्छा कोई बात नहीं, ये भी मैंने खुद स्टिच की, ये इसका ट्राउजर है। और ये इसकी शर्ट। अच्छा मजे की बात बताऊँ, वो ये तो उल्टी रखी हुई है, मैंने ना इसे भी मैंने खुद स्टिच किया हुआ है। ये देखो ये लो, ये क्या थी ये लो, इसको ये देखो, इसको मैंने यहाँ नेट लगा दिया, ये बिल्कुल सिंपल है क्योंकि इसका ट्राउज़र जो था उस पर इतनी एम्ब्रॉयडरी थी। ये देखो
कैसा लगा? और ये इसका दुपट्टा, दुपट्टा इसका इतना अमेजिंग है, इतना डिसेंट दुपट्टा है इसका। ये ब्रोशिया है, ये क्रेप ब्रोशिया, ये भी लेके दिखाऊं कितना? ये लो जी, हाँ बंद करो, बंद जूते दिखा दे। ये जूते है मेरी सिस्टर के, ये मैं लेके आई हूँ, ये भी मैं चेजअप से लेके आई हूँ। हमारे गुजरांवाला मैंने बहुत बड़ा बिग शॉपिंग मॉल है, इतनी खूबसूरत लग रही है। इस पर एम्ब्रॉयडरी देखो, ये ना सिस्टर के सूट के साथ की मैचिंग है। ये देखो दूसरी सिस्टर के लिए रफ, जाहिर है ईद वाले दिन रफ भी पहननी पड़ेगी। ये मेरी पसंद है, मैं बाजार गई थी तो मुझे इतनी अच्छी लगी मैंने खरीद ली। अच्छा जी, और ये सिस्टर के, इसी सिस्टर की चूड़ियाँ, मुझे इस तरह की चीज़ें पसंद है लेकिन मैं पहनती पहनती कोई भी नहीं हूँ। ये देखो कितनी डिसेंट लग रही है, 1 कैरेट है ये। मैं पहन के दिखाऊँ आपको, मेरे हाथ में से सूखे 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 मुक्के 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 हैं। ये देखो ये पीछे गोल्ड की पीछे कर देते हैं ये कैसी लग रही है। असल में इसकी शाइन है, जितनी जितनी शाइन करीब आ रही है ना। और ये रिंग्स 1 कैरेट की, ये मेरी सिस्टर की रेड वाली, ये मेरी, मैं अभी आपको पहन के दिखाती हूँ। मैं इस फिंगर में पहनती हूँ, अब ना मुझे ये कचरा पूरा तय करना पड़ेगा 2 घंटे बैठ के। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। ईद मुबारक।